ओडिशा गस्तरे ओबीसी कमिशन सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल राज्य में ओबीसी वर्गों विभिन्न समस्या को नहीं गतकाल विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठन सह बैठक करिछन्ति कमिशन सदस्य। राज्य में ओबीसी शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण नथिबारु क्षोभ प्रकाश करिछन्ति कमिशन सदस्य। से कौन सब प्रतिक्रिया रखिछन्ति एरी ओबीसी कमिशन सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल को भेटिछन्ति आम प्रतिनिधि सौम्यरंजन साहू। ओडिशा गस्तरे आसिछन्ति ओबीसी कमिशन सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल आम सहित अच्छा सीधा साल आलोचना करवा। सर ओटीवी को स्वागत करता हूँ। आप काल भी विभिन्न संगठन के साथ मीटिंग हुआ है, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा सरकार के बारे में क्या कह रहा है आपका? देखिए, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से उड़ीसा में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार हम लोग फरवरी 2020 में आए थे और पूरा कमीशन आया था। हम लोगों ने उस पर काफ़ी व्यापक जनसुनवाई की थी, लोगों से भी मिले थे, उड़ीसा राज्य के अधिकारियों से भी वार्ता हुई थी। फिर हमने सितंबर 2020 में ही, जो 2020 फरवरी में हम लोग यहाँ आके बात किए थे, फिर हमने सितंबर 2020 में उसका रिव्यू किया था। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने फिर से उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ हमारा रिव्यू हुआ, वार्ता हुआ। हम जब पिछले साल 2020 फरवरी में आए थे तो एक तो हमने पूछा था कि उड़ीसा राज्य में 27% पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं है, तो सरकार के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सीलिंग के कारण उड़ीसा राज्य में हम आरक्षण पिछड़ों को नहीं दे पाते हैं, 27% आरक्षण नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर समीक्षा करने के दौरान यह भी पता चला कि उड़ीसा राज्य ऐसा राज्य है जहां पर कि पिछड़े वर्ग के अब छात्रों को शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। फिर दोबारा हमने जब सुनवाई किया था सितंबर में, तब भी हमने उड़ीसा राज्य के अधिकारियों से बोला कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उड़ीसा राज्य के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि हम अभी रिव्यू कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। कल जब हमने सुनवाई किया तो फिर हमने पूछा कि 2020 फरवरी सितंबर 2020 में जो हमने आपसे कहा था आरक्षण देने के लिए, ऐसा कौन सा कारण है कि चलो 27% आप आरक्षण नहीं दे सकते पिछड़े वर्ग के छात्रों को, तो आप कम से कम 11.25% जिस प्रकार से आप नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं, सर्विसेज में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप शिक्षा में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। देश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर पिछड़े वर्ग को ओबीसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग को एसईबीसी के नाम से जाना जाता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो समाज सोशली और एजुकेशनली दोनों बैकवर्ड है, वही पिछड़ा वर्ग की क्राइटेरिया में आता है और उसको आरक्षण मिलता है। जब तक उस समाज का व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, तो वो उसका सामाजिक रूप से उत्थान नहीं हो सकता, वो सोशली आगे नहीं बढ़ सकता। उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग के जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनको एजुकेशन में ही रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था पर बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। दूसरे, कल सुनवाई के दौरान एक बहुत गंभीर बात पता चली कि उड़ीसा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर कि सैलरी इनकम भी जोड़ने की बात कही गई है, एग्रीकल्चर इनकम भी बात जोड़ने की बात कही गई है। मैं तो वो प्रोफार्मा देख करके बहुत सरप्राइज हुआ कि इस प्रकार से उड़ीसा राज्य के अंदर कैसे हो रहा है। जिस प्रकार से वो प्रोफार्मा अधिकारियों के द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया, आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसको देख करके लगा कि यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है एसईबीसी के लिए, उसमें सामाजिक और शैक्षिक आरक्षण का आधार न हो करके पूरी तरह से आर्थिक आरक्षण का आधार हो गया है। यह पिछड़े वर्ग के साथ बहुत ही खतरनाक और अन्यायपूर्वक कार्रवाई मुझे प्रतीत हुआ। आगे हम लोग दिल्ली जा कर के और तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर कार्रवाई के लिए उड़ीसा राज्य को लिखेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी मानक जो गोटे परसेंट भी जो रिजर्वेशन नाईक नहीं कि से क्षोभ प्रकाश करते भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन विश्वजित सौम्यरंजन साहू ओटीवी।